एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम किसी प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे हम एक सफर की, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। कौन कौन हमारे साथ जा रहा है वो आपको सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और कहाँ पे हम जा रहे हैं वो हम आपको पहुँच के दिखाएंगे। अगर आपको जैसे मैंने पिछले साल अपने इन्हीं दिनों में एक ट्रैवलिंग वीडियो डाली थी जयपुर की, अगर आपको वो पसंद आई थी तो आप इस वीडियो के साथ भी जुड़े रहें। और क्या क्या हमारे सफर में होगा मैं तो रेडी हूँ। इस टाइम सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं, हम 4 बजे सुबह को निकल रहे हैं। बाकी पहुँच के आपको बताएंगे किस जगह हम जा रहे हैं। अगर आपको इस तरह की मेरी पिछले साल वाली वीडियो अच्छी लगी थी तो मेरे इस वीडियो को आप देखें। अगर आप प्रॉपर्टी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है, और प्रॉपर्टी की वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तो जुड़े रहे मेरे इस वीडियो के साथ। जिसके साथ हम जा रहे हैं वो गाड़ी भी आ गई है। कौन आया? चोर आया। तो लड़के रख रहे हैं गाड़ी में सामान, और आज ये वाली गाड़ी यहीं रहेगी, आराम करेगी। और यमन भाई नींद में हो गया, मुँह छिपा रहे हैं तो हमारे चक्कर में भाग चलो, वो लड़के तो बिल्कुल नहा धो के फ्रेश हैं। चलो चलो, तो पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट सीधा घर से निकलने के बाद। अब थोड़े टाइम में फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, उसके बाद फिर पहुंच के आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे जाने का इरादा है। अरमान, हाँ जी सर, मास्क लगा लो। गोलू भाई बहुत कंफ्यूज हैं इस टाइम। ये हमारा IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में और लैंड करने के बाद। चलो फिर आ जाओ। ये गाड़ी मिल रही ऑक्टाविया। हाँ जी अरमान भाई, क्या देखना हो जहाज? वन लाइफ बेबी। तो अभी जा रहे हैं लॉन्च की तरफ, और आज थोड़ा सा फ्लाइट हमारी 3:30 के आसपास की है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे लॉन्च में, क्योंकि अरमान बहुत थक गया, सुबह निकला था देहरादून से लगभग 4 बजे के आसपास, और अभी तो और सफ़र करना है। बाकी पिछले साल कुछ लोग और गए थे हमारे साथ जयपुर वाली ट्रिप में, तो आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो इस वीडियो को देख रहा है, वो आप एंजॉय करेंगे इस वीडियो को जो हमारे साथ नहीं आया। लॉन्च के लिए इतनी लंबी लाइन लग रही। अंदर से दिखाएंगे आपको लॉन्च किस तरह का है, कैसा है, किस तरह का फूड है, थोड़ा बहुत दिख रहा है वीडियो में, लेकिन अंदर जाके दिखाते हैं आपको। वेट एंड वॉच, लॉन्च दिखाएंगे लॉन्च। लॉन्च कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत बढ़िया। और देखते हैं यहाँ का खाना वगैरह कैसा होगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो वीडियो के साथ। और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग आएंगे अभी इस पूरी सीरीज में। हैव अ लुक, अमेजिंग। डेढ़ दो घंटे वेट करने में मज़ा आएगा। बाकी फूड चेक करते हैं किस तरह का है, बाकी थोड़े क्या खाना पसंद करोगे अरमान भाई? चेक इट एक बार देखते हैं।
अरे गोलू भाई तो आ गए, वहाँ तो बहुत मार रहा था। क्या दिखाना चाह रहे हैं पब्लिक को? गोलू भाई हम पब्लिक को दिखा रहे हैं कि लॉन्च में क्या क्या मिलता है। ओके अरमान भाई दाल मखनी खाओगे आप भी? तो खाना वगैरह हो गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लॉन्च का। मैंने पहले एक बार इंटरनेशनल फ्लाइट जब बोर्ड करी थी तो मैंने उस टाइम भी लॉन्च देखा था इंटरनेशनल डिपार्चर का, लेकिन डोमेस्टिक का भी बढ़िया है ये आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और जी बोलो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा लॉन्च का? बहुत ही शानदार, बता नहीं सकते क्या एक्सपीरियंस रहा। कैसा कि अरमान भाई के साथ घूमने में यहाँ पर मजा आया, अभी भी देख सकते हैं अभी स्टोरी बना रहे हैं, पूरा पैसा वसूल। ये बिजी है जब से हम यहाँ एयरपोर्ट में आए स्टोरी बनाने में, मेरे ख्याल से इसे जाने से ज़्यादा खुशी यहाँ लॉन्च में आने की हो रही। बाकी चलते हैं अब, जो हमारी फ़्लाइट का भी टाइम हो गया तो बोर्ड करते हैं फ़्लाइट, उसके बाद जुड़े रहो वीडियो के साथ और कुछ और इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको दिखाएंगे, रोज़ इसी तरह से व्लॉग आएंगे। तो चलो चलते हैं फ्लाइट की ओर। तो ऑलमोस्ट बोर्डिंग भी क्लियर कर लिया है और बस अब फ्लाइट की ओर जाने के लिए तैयार हैं। जी गोलू भाई क्या नज़र आ रहा? नज़र ये है बस, मंजिल के बहुत करीब है, फ्लाइट में बैठते हैं चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। मंजिल की ओर चलो। अरमान भाई को चलो। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बहुत मज़ा आ रहा और प्यासे को प्यास नहीं लग रही और भूखे को भूख नहीं लग रही। अरमान भाई ने एक के बाद एक बोतलें ख़त्म कर चुके हैं, एक वफ़ी ना आर ओ का काम है इनका, फिर भी पानी बहुत पीते हैं ये। अरमान भाई कह रहे इसका जो ये फिल्टर वाला पेपर पानी है इसका TDS बहुत कम आ रहा। इस बॉडी का यही राज है, अल्कलाइन वाटर जो भी लो दो लो। चलो जी चलो। हाँ जी ये नॉर्मल वाटर पी रहे थे आप या किसी कोई मिनरल वाटर पी रहे थे? नॉर्मल आरओ वाटर। TDS कैसा है इसका? मीठा मीठा। विंडो सीट को लेके तो झगड़ा हो रहा दोनों में, कौन बैठेगा कौन सीट? हालांकि मुझे मिली थी अरमान भाई ने, इस पर कब्जे किया है, पक कलर है। अरमान भाई हम तो पैदाइशी बदमाश है, बड़ा वो बना शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था मैं ही बदमाश हूँ जी। नहीं कब्जा करना ही सीखा आज तक। बादल इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा भाई, बादल इम्पोर्टेंट है। पैसे हालांकि दोनों के बराबर थे, सिर्फ मुझे मिली थी विंडो सीट, इसने छीन ली। बोर्डिंग पास दिखा अपना, बोर्डिंग पास। चलो रहने दो बोर्डिंग पास रहने दो। क्या कहे बस, आईफोन वाला बोर्डिंग पास दिखाओ। किसकी सीट है ये? ये देहरादून वाले गुंडा करते हैं यहाँ पे चलते ही। इनके सर हम देखे जा रहे वाले, ये आम आदमी पार्टी वाले, हम सरकार चला रहे हैं। विंडो सीट पे झगड़ा हो गया भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ना ना बादल इम्पोर्टेंट है, ना बादल इम्पोर्टेंट है, ना मुस्कान की चमकान, समझ गया? फर्स्ट टाइम बोल के धोखा दिया है इस व्यक्ति ने, ऐसा भी कुछ है। अरमान क्या है? क्या है? क्या बवाल है? विंडो सीट इतनी इम्पोर्टेंट है, दो दोस्तों में झगड़ा, कलेश, मारा मारी। हालांकि अभी ट्रिप की शुरुआत भी नहीं हुई, अभी से हाल है, आगे आगे देखते रहिए अब क्या क्या होगा। मारा मारी का आलम, झगड़ा हो गया भाई। स्टोरी 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 बॉय, इंस्टाग्राम बॉय, इंस्टाग्राम क्रैश करवा देगा आज ये। तो गाइस आप अरमान भाई को फॉलो कर सकते हैं, इनके 2.5 मिलियन इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए। बादल कितना इम्पोर्टेंट है भाई, बादल बहुत इम्पोर्टेंट है भाई जिंदगी में, बादल के लिए हम यहाँ पर यही तो नजारा है जो बचपन का सपने में था। अरमान को जहाज की क्वालिटी सही नहीं लग रही, कैसी क्वालिटी का बना की सही नहीं है बहुत, मतलब इससे अच्छे तो ऑल्टो 800 की क्वालिटी है हमारे यहाँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इंडिगो वालों को टैग कर दूंगा कि भाई अल्टो से कंपेयर कर रहा तुम्हारे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, इंडिगो इंडिया को, मैं इसे
टैग करके जरूर ये वीडियो डालूंगा। ये सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है, कह रहा क्वालिटी में दम नहीं है। जो तुम्हें आरओ का पानी मिला उसका टीडीएस कितना था? इट्स अ वेरी लो टीडीएस, इट्स हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, सो प्लीज डोंट टेक इट। चूने वाला पानी मिल रहा आरओ के पानी में भाई, चूने वाला पानी। चलो खैर, जुड़े रहो वीडियो के साथ, आगे लैंड करने के बाद दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, गोलू को बिठा दे यार विंडो सीट पे। ये किस किस सीट है बोर्डिंग पास के हिसाब से? विंडो वाली बस के हिसाब से मेरी सीट है और मैं लेकर आऊंगा। तो उसे एयर होस्टेल को ला बुला के वहां से मैं खड़ी होगी। देख, देख नहीं रही? सर 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 प्लीज जा। एक्सक्यूज मी सर, जब बुला के ला दो यार, बुला के लाना अभी अभी प्यार से। काम कोई प्यार से हो जाए तो अभी प्यार से कोशिश। तो बुला के लाओगे हम स्टाफ को बुलाएंगे क्या? मुझे मेरी सीट पे नहीं बैठने दे रहा। ओ भाई, अधिकार होगा गलत इस्तेमाल हुआ है, हमारी शक्ति होगा गलत इस्तेमाल है। ठहरो शक्तिमान, उड़ गया भाई उड़ गया। और जीत आज फिर एक इंसानियत की हुई। देखते हैं कब तक इसी टीम के बस रहे। पलट ली सीट पलट ली भाई, सिर्फ और सिर्फ फोटोज के लिए। चलो खैर, फुल फोटोग्राफी एक्शन के साथ बड़े बड़े हॉलीवुड के फिल्म के ऑडिशन में जो फोटोज हैं सब जाएंगी। झगड़ा हो रहा है, झगड़ा विंडो सीट पे लेके झगड़ा हो रहा मासूम के साथ। अबे भाई, जब ये पनवेल के स्टेशन पर रुकेगा जब बदल लियो, देख सकते हैं आप सब मानुष को। गुंडागर्दी के बल पे फुल आम आदमी के नेता फुल हिंसक हो गए। दंगा फैला रखा है इन्होंने। आईफोन बज गया, आईफोन बज गया। इट्स नॉट माय फोन। ओहो, फाइनली वी डिड इट मैन, वी डिड इट। क्या डिड इट? बेल मिल गई, जमानत मिल गई, क्या मिला? यो है पेटी भाई, यू करके बचा ये बिजा रिलैक्स। एक बार हमारी ऑडियंस को आप कह सकते हैं क्या हाल है? क्या हाल है भाइयो? क्या कहना चाहोगे भाइयो? देखो, बार मार ऐसी है, आज वो पूरा ऑन टाइम से हम एक ट्रिप प्लान कर रहे थे, जाना तो दुबई भी था, दुबई जाना कहीं और था। दुबई की ट्रिप 6 महीने बाद की है, तो दुबई की ट्रिप 6 महीने के पर लेकिन वो पोस्टपोन हुई है ना। सिर्फ पहले तो वहीं जाना था ना, पासपोर्ट का इशू था, बट लेकिन फाइनली फिलहाल एक छोटी सी ट्रिप हम जा रहे हैं अभी। ये भी दो महीने पुरानी ट्रिप है तुम्हारी। प्लेन का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहे, बाकी आगे फिर इंटरनेशनल फ्लाइट होगी इंशाल्लाह, आगे क्या क्या होता है करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों का प्यार मिलता रहे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं वहां पर। बाकी देखो, बहुत हुई बीजेपी की बार, अब की बार केजरीवाल। मेरे चैनल पे कोई वो नहीं होने की यहाँ पॉलिटिक्स। केजरीवाल तक ठीक था लेकिन आम आदमी के युवा नेता बहुत गुंडागर्दी करते हैं। 20 किस्मत से, बड़ी किस्मत से पहली बार ऐसा हुआ। मालिक जब अब किसानों का बिल वापस ले लिया था, बस पेट्रोल के दाम भी वापस कम कराई दो। आम आदमी पार्टी की है सरकार, आएगी और सब कुछ सस्ता कर जाएगी। ये तुम्हारा कहना है? ये हमारा नहीं कहना है, हमारे केजरीवाल जी का कहना है। ओ, केजरीवाल जी। अच्छा आप बताइए, चलो अच्छी बात जैसे है। कि अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती है, हम इंजीनियर्स को क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे? सबसे पहले बात, जो बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं, इंजीनियर हैं, जो युवा हैं, हम उनको 1 लाख रोजगार हर साल मुहैया करवाएंगे। और जिनको नहीं होगा, एक लाख जॉब। और जिनको जॉब नहीं मिल पाएगी, जब तक उनको जॉब नहीं मिल पाती, हर महीने उनको 5,000 रुपए भत्ता उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। आप कल खुलकर कहना चाहते हैं बेरोजगारी भत्ता? ये है रोजगार गारंटी, ये रोजगार गारंटी आप लिख के देंगे? बिल्कुल, आपको लिखित में मिलेगा। आप हमारे कार्यालय आइए, आपको एक रोजगार गारंटी का आपको कार्ड मिलेगा, वो हमारी वारंटी कार्ड है। बहुत बढ़िया नेताजी, वाह, बहुत शानदार स्पीच दिया आपने, बहुत बढ़िया। की सरकार है, युवा नेता हो गया हमारा, एंड बैग हमारे गांव में नहीं पता। सेल्फ मार दिया क्या? नहीं, रस्सा मारा, रस्सा यही लगा रहा था ड्राइवर में, देखा यूं खेंक। अपनी सीट पे आ सकते हैं, अपनी सीट पे आ सकते हैं। चलो भाई, इसी तरह की मस्ती और इसी तरह की बातें एंजॉय करने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें और सारे व्लॉग देखें, बहुत मजा आएगा। ये तो अभी शुरुआत है, आगे चलते रहेंगे, आगे होता है क्या करिए। हमारे आम आदमी के युवा नेता आपको फुल एंटरटेन करेंगे जितना इनसे हो सकेगा। बाकी मास्क लगा लेते हैं, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना होगा, कोविड प्रोटोकॉल्स।
माय फिटनेस ये, लेकिन आम आदमी पार्टी के युवा नेता बिना मास्क के ट्रैवल कर रहा है कोविड में ये। सॉरी डार्लिंग दो गज दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन यहाँ कहाँ है दो गज की दूरी, इनका बस नहीं चलता जो तीन पे छह बैठा है। हाँ वो तो हम बैठ नहीं दे जैसे दो चाय तीन में। तो खैर अभी तो ये दोनों खूब मजे ले रहे हैं और एक विंडो सीट के ऊपर इनकी लड़ाई चल रही, इसके बाद इनका एक अभी जब हमारा प्लेन टेक ऑफ होगा इनके रिएक्शन भी शूट करेंगे। बादल इम्पोर्टेंट है। पहुंच गए अरमान भाई, बाहर से निकलने की तैयारी। पब्लिक की भीड़ और अरमान का कहर। कैसा है अरमान भाई हम यहाँ तक, और जो जो और लोग घूमने जाएंगे वो कैसे जाएंगे? नहीं ये डायलॉग था किसका, ये अधिकारी लोग हैं, ये गरीब का डेलॉग है। खिच्चू का, ओ तुम सुन रहे हो भाई, तुम देव बड़ी बड़ी करता है वो, ये इशारा किसके हो रहा है आप समझ पा रहे हैं? कह रहे भाई बात दी की तरह भेजा रहा बात दी। ये तो डायरेक्ट बात दी के मुंह पे कह रहा भाई, खुला चैलेंज बात दी कैसे जाएगा तू जैसे हम आए। अरे आए तो बड़े भी कहेगा कभी ऐसे। ओ पहले पासपोर्ट ही बनवा लो तुम अपना। नहीं गलत बात ऐसे ना बोलो यार, तुम आएगा वो हमारे साथ नेक्स्ट टाइम, वो नहीं आना का भाई हमारे साथ आएगा। तो स्कैन कर लिया भाई उसने सारी चीज़ें। यही स्कैन कैसे करा लेकिन तूने तो बता दे, चलिए यूट्यूब वीडियो देख के हमारे स्कैन कर लिया कोई बात नहीं। चलो तो पहुँच गए एयरपोर्ट से, एग्जिट कर लिया है और बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़ रहे हैं वीडियो के साथ। थैंक यू। बारिश कब से हो रही है यहाँ?